राम तीरथ भी है, राम ही धाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है, जो न डूबे कभी राम वो नाम है। राम कण कण में है, राम हर मन में है, राम कण कण में है, राम हर मन में है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। भक्तों के हैं भगत, राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है, राम के नाम का नाम हनुमान है। राम युग से परे राम युग बोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम हर युग मेरा वर्ण का प्रतिरोध है, राम हर युग मेरा, राम हर युग मेरा वर्ण का प्रतिरोध है। राम वैभव भी है, राम वैराग है, राम जीवन का रस राम अनुराग है, राम रंग में रंगी है ये पूरी धरा, राम सरयू भी है राम प्रयाग है, राम सरयू भी है राम प्रयाग है। और देखे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर सरल राम है, शुष्क वातावरण में तरल राम है, राम विश्वास है आस्था है अटल, शबरी माँ की प्रतीक्षा का फल राम है, शबरी माँ की प्रतीक्षा का फल राम। और एक आखिरी पंक्ति कवि और राम के रिश्ते पर, राम ही चेतना राम ही कर्म है, सार भी राम है राम ही मर्म है, राम तुलसी के जीवन का सत्कर्म है, घोर कलयुग में इस राम ही धर्म है, घोर कलयुग में। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आचार्य जी, अब राम सबके हैं और सब राम के हैं, ये हो जाएगा? देखिए किशोर जी, पहली बात तो ये है कि आज मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मुझे ना देखा जाए, मुझे आज यहाँ सिर्फ राम भक्त के रूप में देखा जाए। और मैं अपनी बात रखने से पहले पूरे मनोभाव से कहना चाहता हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा आस्था के साथ, कि जय जय सियाराम, जय सियाराम। अब ये जो घड़ी आई है, ये सदियों के संघर्ष के बाद आई है, सैकड़ों सालों की लड़ाई के बाद आई है, कितने ही ऋषि मुनि महात्माओं के बलिदानों के बाद आई है, कितनी ही ऐसी आँखें थीं जो इस दृश्य को देखने के लिए तरसती तरसती बंद हो गई। तो ये जो 22 जनवरी है, मुझे लगता है कि बहुत लंबी प्रतीक्षा का एक ऐसा पल है जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय भी है और सनातन के साथ साथ भारत के गौरव का विषय भी है। पीर पीड़ा के पीर पर्वत सी भारी है, जतन कोई बता जाओ, सांस थमने लगी अब तो, चले आओ चले आओ। श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा, श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा,
आंखें तरस गई दर्शन को, कब तू झलक दिखाएगा। श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा, श्री राम जन्म भूमि का झंडा दुनिया में लहराएगा। आपके इस तमाम दर्शकों को पहले तो इस शुभ अवसर की बहुत बधाई। वाकई एक इतने लंबे अंतरकाल के बाद ये स्वप्न जो है साकार हो रहा है, इसलिए देश राममय हो गया है। जोर से मेरे साथ कहें, जय श्री राम, जय जय श्री राम। किशोर जी, ये नारा नहीं था, ये हम सब के लिए एक आस्था का वक्तव्य था। मैं तो बहुत लंबे अरसे तक इस संघर्ष का एक सिपाही रहा हूं, बहुत अपमान सहा है। वो अपमान भी सहा है जब कहा गया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता यहां पे। वो अपमान भी सहा है जब ये कहा गया था कि यहां पे दोबारा मस्जिद बनेगी। अब भी कुछ लोग अपमानित करने के लिए कोशिश करते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि देश जो है आज रामलला के मुंह में, आप सबकी भाषा, आप सबके जो उद्गार है, वो हर एक के हृदय की बात आप कह रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 आपका स्वागत। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना अद्भुत माहौल है, ये जो दर्शक बैठे हैं आज बहुत गजब का सुन रहे हैं। पता नहीं कौन सा राम रस पी के ऑलरेडी आए हो आप लोग। बधाई देता हूं आचार्य जी आपकी उपस्थिति को। बहुत चढ़ाया गया हमको, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं, बहुत चढ़ाया गया हमको। लेकिन ये 500 वर्षों की जो तपस्या, बलिदान और कुर्बानियों के जो लंबा सिलसिला है, आज हम इस माइक पर खड़े होकर कह सकते हैं, जिन्होंने हमको चिढ़ाया कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी है, मंदिर भी है, न्यूज 18 भी है, गौरव चौहान भी है, रामलला भी है। ये चार पंक्तियां भी है। श्रोताओं जरा बताना, जवाब सही लगा हो तो, तारीख नहीं बताएंगे आचार्य जी। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जो कहते हैं, ये राम भक्त है, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए, लंका बीच खड़ा है। और राम विरोधियों, अब तो अपनी छाती जरा टटोलो, हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। आप सबको याद होगा जब ये कहा जाता था कमंडल और मंडल जी, मतलब कैसी कैसी तुलनाएं करी जाती जी। आप भी मंडल कमंडल छोड़ो, बधाई गाते हैं आज, बधाई। हाँ, सुनो। अवध में गाओ खूब बधाई घड़ी मंदिर बनने की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई।